हमेशा आपका हम सफर। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये यात्रा गांव-गांव पहुंचकर लोगों को योजनाओं के बारे में बता रही है और विभिन्न लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। महोखर गांव से शुरू हुई ये यात्रा जनपद में लगभग 2 माह तक गांव-गांव घूमकर योजनाओं से वंचित लोगों को इसका लाभ दिलाने का कार्य करेगी। इस मौके पर भारत सरकार के उप सचिव ऋतुराज मिश्रा और बांदा की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और वो सपना हर भारतीय का एक सपना है, तो 2047 तक जो हमारा स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए हम सब संकल्पित हों, और उसमें एक संकल्प का भी प्रावधान है, सबको चार्ज करना, सबको एक साथ जोड़ना, एक लड़ी के रूप में, एक कड़ी के रूप में आगे बढ़ना, ये इस विकसित भारत का उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का महोखर खुर्द गाँव से शुभारम्भ किया गया है। ये यात्रा प्रत्येक दिन जाएगी, इसका एक विस्तृत रोस्टर इशू कर दिया गया है, और जनपद बांदा की समस्त 469 ग्राम पंचायतों में ये यात्रा की जाएगी अगले 2 महीने के अंतराल में। हर ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं का स्टॉल लगाया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित महिला लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जबानी के माध्यम से योजनाओं से मिलने वाले लाभ और उससे जुड़े अनुभवों को साझा किया। मैं समूह से जुड़ करके जो हमारा ऋण आता है उससे मैं ऋण लेके एक रिक्शा खरीदा और उससे आमदनी करी और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हूँ और मेरी आमदनी भी अच्छी चलती है। अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ उस तरह मेरी जो समूह की दीदियाँ हैं वो भी आगे बढ़े, और जो हमारे सरकार ने योजना चलाई है भारत सरकार भारत विकसित भारत यात्रा, उससे जुड़ करके वो आगे बढ़ें। अपने समूह के द्वारा ऋण ले करके ई रिक्शा खरीदा, उसी से अपने ई रिक्शा की कमाई से ही अपना घर परिवार चल रहा है और हमारे घर की आमदनी भी अच्छी खासी हो रही है। हम सभी दीदियों से यही कहना चाहते हैं कि समूह में जुड़ करके अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार ला सके। ये यात्रा लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनको योजनाओं का लाभ भी प्रदान करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया।